नमस्कार। आज का जो अगला सेशन सेशन 12 है वो है मोटिवेशन एंड वेलबींग। इसमें आज के श्रृंखला में आज के सेशन में हम मोटिवेशन कैसे हमारी वेलबींग और हैप्पीनेस को प्रभावित करता है उस बात पर हम चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से हम सब इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम वो काम अपने दिन में करते हैं जो हमारे गोल्स को जो हमारे पर्पस को अचीव करने में मदद करेगा तो हम ज्यादा खुश होंगे बजाय कि वो एक्टिविटीज करें जो हमारे लाइफ में हमारे पर्पस को हमारे गोल्स को कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं करती। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में जिस दिन वो ज्यादा पढ़ेंगे उस दिन वो ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आज की करी हुई पढ़ाई उनकी लाइफ में उनके मार्क्स में उनके नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेगी और ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा इसका जो पॉइंट आता है वो ये कि मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन को स्पेशली साइकोलॉजी में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट पूरी प्रोसेस को कवर करती है। जैसे मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मोटिवेशन को हम वो प्रोसेस मानते हैं जो किसी काम को करने में पहल करे, हमें वो गाइड करे और उस गोल को अचीव करने के लिए हम उन एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली मेंटेन करते रहें। ये हमारा मोटिवेशन हुआ। मोटिवेशन की जब हम आगे चर्चा करते हैं तो अगर आपको पिछले सेशंस का याद हो हमने पहले भी मैस्लोज हायरार्किकल थ्योरी का डिस्कशन किया है जिसमें हमने कहा कि जो हमारी नीड्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होती हैं। जैसे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स जो हमारी बेसिक नीड्स है, आगे की बात सोचने के लिए ये नीड्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद दो साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं जो लव बिलोंगिंगनेस या हमारे कनेक्शन विद अदर्स और सेल्फ एस्टीम कि हम अपने आप को पॉजिटिवली इवेल्युएट करते हैं। ये सारी नीड्स अगर फुलफिल्ड हैं हमारी लाइफ में तब हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि वो काम करना जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, फुल पोटेंशियल हो। तो ये हायरार्किकल या एक ऑर्डर में हमारी नीड्स फुलफिल होती हैं। आज के सेशन में हम ऐसी ही एक और थ्योरी की चर्चा करते हैं जो हमें काफी कैसे हम मोटिवेशन है और किस तरह के हमारी मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उन पे चर्चा करेंगे। जैसे ये थ्योरी जो है वो है सेल्फ डिटरमिनेंट थ्योरी जो रायन एंड डेसी ने तीन साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करी है इस थ्योरी में। इस थ्योरी में ये भी डिस्कस किया गया है कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं या हमारे जो मोटिवेशन होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक गोल्स एंड मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक गोल्स और मोटिवेशंस। जो इंट्रिंसिक गोल्स और मोटिवेशंस हैं ये वो गोल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में खुद निर्धारित करते हैं, हमें करना अच्छा लगता है इसलिए हम उन एक्टिविटीज को करते हैं और पसंद करते हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ में उस तरह के मोटिवेशन को जगह देते हैं। दूसरे जो हमारे मोटिवेशन होते हैं कि हमें लोगों से कुछ चाहिए, हमें अपने एनवायरमेंट से कुछ चाहिए, उस चाहत को पूरा करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें आपकी रुचि है, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। ये आप मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये आप कहीं इंटरव्यू फेस करने के लिए नहीं पढ़ रहे, पर ये आप जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आप इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ कि आप जैसे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, आप कोई एक्टिविटी करें पैसा कमाने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में एफिलिएशन पाने के लिए, सोसाइटी में पावरफुल पोजीशन पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरह के हमारे दो गोल्स और मोटिवेशंस हुए। तो जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो किसी चीज से प्रभावित नहीं है बल्कि हमारी अपनी समझ से प्रभावित है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो बाहर की चीजों से कि हमें कुछ इस दुनिया में अचीव करना है,
उस अचीवमेंट के लिए हम वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो लेटेस्ट थियरीज हैं वो इस बात पर काफी फोकस करती हैं कि जो एक्टिविटीज हम अपनी खुशी के लिए, अपनी समझ के लिए, अपने मन के लिए करते हैं, वो एक्टिविटीज भी हमारी लाइफ में काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए कभी कभी साइकोलॉजिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि लाइफ में उस तरह का ऑक्यूपेशन क्रिएट करो जिसको तुम वाकई में पसंद करते हो, जिस पढ़ाई को या जिस नौकरी को आप करना पसंद करते हैं उसी में जाएं, बजाय कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पावर कमाने के लिए या अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाने के लिए उन एक्टिविटीज में और या उस ऑक्यूपेशन में आप इन्वॉल्व हो। इसी तरह से एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट फ्लो है, शायद आपको याद होगा हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। फ्लो का मतलब हुआ कि आप किसी काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ पूरी तरह से लीन हो, और इस काम में आप इतना लीन हो जाएं कि आप खाना पीना सोना इवन आपको थकान का भी अनुभव ना हो, ये सब उस काम के दौरान आप भूल जाएं। और इस टाइम पे हम कहते हैं कि हमें टाइम डिस्टॉर्शन होता है, या तो ये लगता है कि छोटा सा पीरियड हमने जैसे इसमें जिंदगी जी ली हो, या कभी कभी ऐसे लगता है अरे अभी तो शुरू हुआ था अभी खत्म हो गया। तो ये इस तरह से हम नहीं समझ पाते कि हमने रियल टाइम कितना इस एक्टिविटी में स्पेंड किया है। तो जो फ्लो टास्क है वो हमारी हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। फ्लो काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो हम फ्लो के दौरान करते हैं। यहाँ पे Csikszentmihalyi ने एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का भी जिक्र किया है, ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी। ऑटोटेलिक मीन्स आपके अपने गोल्स होना, आपकी अपनी डिजायर, सबके अपने मोटिवेशन होना जो एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं है। जैसे मान लिया कि आप अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, तो ये जो हमारा सेंस ऑफ मोटिवेशन है ये हमारे हैप्पीनेस से, हमारी वेलबींग से, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत ज्यादा संबंधित है। क्योंकि ये वो एक्टिविटीज है जो आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, या आप अपने लोगों से कुछ लेने से के लिए नहीं, लेकिन आप अपने टेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने समझ के लिए उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हमने पहले भी जिक्र किया था लव ऑफ लर्निंग, इस तरह के कुछ टारगेट्स आपकी लाइफ में होना जो एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड ना होकर आपकी अपनी समझ के लिए हैं, वो हमारी हमारी समझ के लिए वो अचीव करने हमारे लिए जरूरी है, उनके लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं, वो हमें वाकई बहुत सेटिस्फेक्शन लाइफ में देते हैं। इस थ्योरी में आगे बोला गया है कि हमारी तीन साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो हम फुलफिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक है ऑटोनॉमी, पर्सनल चॉइस टू डू टास्क। हम उस काम को करना चाहते हैं क्योंकि हमें करना पसंद है, ये काम हम पर थोपा नहीं गया है। जो एक्टिविटीज हम इसलिए करते हैं कि हमारी पर्सनल चॉइस है उनको करने की, उन एक्टिविटीज को करके हम खुश भी होते हैं, हम उनके लिए मोटिवेटेड भी रहते हैं और हम उन्हें करना भी चाहते हैं। और हम वैसे काम को पसंद नहीं करते जो हम पर एक कंपल्शन हो, जो आउटसाइड फोर्सेस हो और जिनके कारण हम कर रहे हों। दूसरी साइकोलॉजिकल नीड है इस थ्योरी के अनुसार कॉम्पिटेंस। जो आप कर रहे हैं, करने में इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप कैपेबल हों, उसमें आप इफेक्टिवली करने में योग्य हों। उसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप तो कर ही नहीं पा रहे, आप इनएफिशिएंट हैं इस काम को करने के लिए। इसलिए भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है इन नीड्स को समझना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको लाइफ में करना है वो करने में आपको अपने आप को सक्षम बनाना है, तभी आप उन एक्टिविटीज को या उन जॉब्स को या उस स्टेटस को एंजॉय कर पाओगे। तीसरी नीड जो है वो है रिलेटेडनेस। आप जानते हैं कि सोशल रिलेशंस की, इंटरपर्सनल रिलेशंस की, और हमारा कनेक्शन विद अदर्स, उसकी पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है। तो यहाँ पर रेगुलर इमोशनल इंटीमेसी एंड शेयर्ड एक्टिविटीज,
हमारे लिए हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है, ना कि अकेले रहना और आइसोलेटेड रहना। तो जब हमारी ये तीन नीड्स फुलफिल होती हैं तो हम खुश होते हैं। इसके आगे जो हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसकी जर्नी हम कैसे कवर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये मॉडल हमें बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, अपने आप को वैल्यू करें और स्टेप बाय स्टेप हम समझे कि कैसे हमें अपनी जर्नी तय करनी चाहिए। जैसे अगर इस मॉडल में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ, मतलब आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं और आप के क्या ऑप्शंस हैं, क्या आपको सपोर्ट्स अवेलेबल है, क्या आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपकी लाइफ में आपके लिए क्या करना इम्पोर्टेंट है। जब आप वैल्यू योर सेल्फ की बात करते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप की क्या वैल्यूज हैं, आप कैसे अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपको एडमायर करना चाहिए, उनकी यूनिकनेस समझनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कैसे आप अपनी केयर कर सकते हैं और एक तरह से किस तरह से आपको अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप नर्चर करने चाहिए। फिर जब आप इसे प्लान करते हैं तो सेट गोल्स, आपको पता होना चाहिए ये मेरे गोल्स हैं, मुझे इन गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे प्लान करना है, मैं इन गोल्स को और इस प्लान को एक्शन में लाने पर कैसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके लिए बी क्रिएटिव एंड विजुअली रिहर्सल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई प्लान्स है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कैसे करेंगे, हर दिन अपनी दिनचर्या को उसके लिए कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब आपको समझ आना चाहिए और पता होना चाहिए और कॉन्शियसली आपको इसका चार्ज अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके बाद जब आप एक्शन लेते हैं तब आपके क्या रिस्क हैं, आप अपने सोशल सपोर्ट को या रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे आप कम्युनिकेट करोगे कि आपकी जो प्लान्स हैं वो सही ढंग से क्रियान्वित हो पाए। तब उसमें जब वैल्यू योर सेल्फ कर रहे हो तो नेगोशिएट करना है दूसरों के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं उनको आपको कैसे डील करना है ये आपको समझ बनानी है। एंड बी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स लगातार करने की योग्यता। साइकोलॉजी में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में अभी एक नया कंसेप्ट भी काफी डिफाइंड हुआ है, हालांकि इनडायरेक्टली वो पहले भी चर्चा में था, एक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी है ग्रिट। ग्रिट के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका इंटरेस्ट और परसिस्टेंसी टू डू वर्क, कि आप अपने इंटरेस्ट को कितना मेंटेन कर पाते हैं कंटिन्यूअसली किसी एक्टिविटी में और कितना लगातार उस काम को कर पा रहे हैं, ये आपकी सफलता से, आपके लाइफ के गोल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और हैप्पीनेस और वेलबींग से भी। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करोगे या किसी का भी इंटरव्यू करोगे, किसको क्या करना चाहिए उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, हर स्टूडेंट को ये पता है कि मुझे अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, हर स्टूडेंट को ये पता है कि मुझे अच्छी नौकरी के लिए कैसे हर रोज पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है कि आप अपनी प्लान्स को बनाकर कितने कंटिन्यूअसली उनको फॉलो कर पा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। जो कर पा रहे हैं वो सक्सेस है, जो जानते हैं नहीं कर पा रहे वो सक्सेसफुल नहीं है। और ये बात हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जानी चाहिए कि जब तक परसिस्टेंसी नहीं रहेगी, निरंतरता नहीं रहेगी हमारे एक्शंस में, हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक्सपीरियंस आउटकम्स एंड लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले और अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो हमारी परफॉर्मेंस क्या थी और कहाँ हमारी कमियां रही और उस तरह से अपने नेक्स्ट एक्शन में उसको एडजस्ट करना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है। अगला पॉइंट जो हमारे लिए आता है वो ये
कैसे पॉसिबल हो सकती है ये जर्नी? ये जर्नी पॉसिबल हो सकती है जब आप खुद को जानो। खुद को जानने के लिए क्या आप हो, क्या आपका आइडियल सेल्फ है, आप क्या बनना चाहते हो? क्योंकि अगर उन दोनों में बहुत डिस्क्रिपेंसी रहती है, शायद हमें इस पॉइंट पे पहले भी चर्चा हुई है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं कि जैसे आपकी कैपेबिलिटी तो है 60% नंबर लाने की, लेकिन आइडियल सेल्फ में कहते हो 90% चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कैसे मुझे कितना मैं अचीव कर सकता हूँ। उसके लिए सेल्फ रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए कि हर रोज मुझे कैसे आगे बढ़ना है। सेल्फ एस्टीम, नोइंग स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट अचीव करनी है अपनी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स के साथ। इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सेल्फ एफिकेसी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, ये समझ आप में होना आपके गोल्स के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके पर्पज ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इस जर्नी को कवर करने के लिए हम बहुत सारे एक तरह से नो योर सेल्फ मोड में रहते हैं, जैसे इनर वॉइस आपकी क्या है उसकी बात करते हैं कि आपकी समझ क्या कह रही है, इनर जर्नी, क्या आप अपने आप को कितना जान रहे हैं, किस तरह से जान रहे हैं और कैसे आपको और ज्यादा अपने आप को जानना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन, अपने सेल्फ टॉक, इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो और फिर अपने आप को इवन ऑब्जर्व करो कि कहाँ आपने कैसे परफॉर्म किया, किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अपने जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लिटरेचर है उसमें स्वाध्याय की बहुत बात करी है। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को जानो। इन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हमने 3 वीडियो सेलेक्ट करे हैं। पहला है गॉड गोपाल दास जी का, जिन्होंने हमें समझाया है व्हाई यू शुड नेवर लूज होप, और ये यहाँ पे एनिमल्स का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से हमें कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली वर्क करते रहना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप जीवन में यशस्वी होना चाहते हो, अगर आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ती है, दृढ़ता से जीना पड़ता है, डिटर्मिनेशन से जीना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, पेशेंट बनना पड़ता है। और यदि इन सब का पालन भी करो, तब भी कई बार जीवन में चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आती है, हम फेल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। सक्सेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रु है निराशा। यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे। जब भी निराश हो जाना तो बस माँ जिराफ को याद कर लेना। जब माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माता जिराफ बड़ी ऊंची होती है और वो बच्चा ऊंचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है, और जैसे ही बेचारा समझने का प्रयत्न करता है कि मैं कहां गिर गया, तब तक वो माँ उस बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है और उसको बहुत जोर से लात मारती है। उड़ते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और बस अपनी सुदबुद्ध दोबारा इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है, फिर माँ उसके ऊपर आकर खड़ी रहती है और दोबारा एक बड़ी जोर से लात मारती है। बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूं ना तो लात खाते रहना पड़ेगा। अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रयत्न करता है वो जिराफ का बच्चा। फिर दोबारा मां आकर उसको लात मारती है, बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागू नहीं तो बस लात खाते रहना पड़ेगा। जिराफ का ये बच्चा तेजी से भागने का प्रयत्न करता है और तभी मां आकर अपने बच्चे को चूमती है, आलिंगन करती है। मां जिराफ भली भांति जानती है कि जंगल में बड़े खूंखार पशु है, शेर, लोमड़ी इत्यादि, जो नवजात प्राणियों का मांस बड़ा पसंद करते हैं, और मां जिराफ तो बच्चे के साथ, तो शिशु के साथ हमेशा नहीं रह सकती। तब अगर वो बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन्म होता है
उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे, दोबारा लात मारती है ताकि उसे वो उठने की जो क्रिया है वो याद रहे, दोबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं दौड़ना प्रारंभ करे। जीवन में कई बार चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और हम गिरेंगे, हम फेल होंगे, लेकिन माँ जीरा और उसके बच्चे को याद कर लेना चाहिए, जब भी चुनौतियां आए, जब भी चैलेंजेस आए, जितनी बार भी आप गिरो उठना सीखो, उस बच्चे से उठना सीखो, उठ के खड़े रहना सीखो, खड़े रह के भागना सीखो। अगर उठोगे, खड़े रहोगे, भागना सीखोगे, तब यश सक्सेस के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचना सीखोगे। अगला वीडियो जो हमने सेलेक्ट किया है वो अक्षय कुमार हीरो इनकी इंस्पायरेशनल स्टोरी, जिससे आपको ये समझ आएगा कि एक आम आदमी खास आदमी कैसे बनता है। और अगर आप बहुत सारे रिनाउंड पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज को पढ़ते हो, जानते हो, तो आपको पता लगेगा कि वो आपसे बहुत अलग नहीं थे, लेकिन उन्होंने लगातार वर्क किया अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स के लिए, और आज वो किसी पर्टिकुलर मुकाम पर हैं जिसको सब पसंद करते हैं और कोई भी उन्हें सोशल रोल मॉडल काउंट करना चाहेगा। तो वहां अगर आप इनकी जर्नी पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि नो गेन्स विदाउट पेन्स, और हर किसी को वो पेन्स लेने होंगे अगर उन्हें लाइफ में सचमुच कुछ आगे करना है तो। जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में हुआ, और मेरा घर जो है चांदनी चौक में है, पराठे वाली गली में है, और मेरे पिताजी अमृतसर के रहने वाले हैं और मेरे माताजी कश्मीर के हैं। मेरी 10th स्टैंडर्ड जैसे ख़त्म हुई मैंने पिताजी से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इसे फॉरवर्ड लूं, तो मुझे उन्होंने कैसे भी कैसे पैसे जोड़ जोड़ के मुझे बैंकॉक भेजा। वहाँ मैंने 5 साल कराटे सीखा, वहाँ फिर मार्शल आर्ट थाई बॉक्सिंग सीखी, वहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता पहुँचा, वहाँ काम किया, फिर ढाका पहुँचा, वहाँ काम किया, दिल्ली में भी मैंने कुंदन की ज्वेलरी के काम करता था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया, बॉम्बे में बच्चों को ट्रेन करता था मार्शल आर्ट में, सबको ट्रेन करता था, पैसे कमाता था, करीबन 5-6 हज़ार रुपये महीने। उसी दौरान मुझे किसी ने एक मुझे स्टूडेंट के फादर थे, उसने कहा व्हाई डोंट यू, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, लंबे चौड़े हो, शक्ल भी अच्छी अच्छी है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते। मुझे पता भी नहीं था मॉडलिंग होती क्या, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे माता पिता को किसी को नहीं पता। कहा जी मॉडलिंग कर लो, वो क्या होता है, आप आ जाओ, आपको मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं आपको मिला देता हूँ। मुझे कुछ 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, और मेरा जो करियर ग्राफ है उसमें 2-3 बार अप्स एंड डाउन आए, और एक खास करके एक ऐसा पैच आया था जिसके अंदर मैंने कुछ 14 या 15 फ्लॉप्स दिए। जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा, कि मतलब होती क्या चीज है। और जब मेरी फिल्में रिलीज हुई तो उन्होंने कहा कि ही एक्ट्स लाइक अ फर्नीचर, उस पैच ने मुझे काफी कुछ सिखाया, एक मुझे समझदार इंसान बनाया, एक मुझे बात बताई कि जिंदगी में ऐसा दौर, हर एक की जिंदगी में ऐसा आता है, और जब बुरा वक्त आता है उस वक्त बल्कि और यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट एंड वेट फॉर योर टाइम टू कम सो दैट यू कैन स्ट्राइक बैक। हर फिल्म एक चैलेंज होता है, हर फिल्म के अंदर जो किरदार आप खेल रहे हैं वो एक नया किरदार होता है, उसके अंदर घुसना एक इटसेल्फ चैलेंज होता है। हर डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना एक बहुत बड़ा इटसेल्फ स्टंट होता है। जो जो कुछ भी सीखा है अपने एक्सपीरियंस से और जितना भी मुझे मिला है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इससे अगला वीडियो जो हमने लिया है, ये जान ले जिंदगी बदल जाएगी, हिमेश मोटिवेशनल स्पीकर, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक बात समझाई है
कि आप की लाइफ में जो एक आदत सबसे जरूरी है उस आदत को बदल लें, और उस आदत को बदलने से आप पाएंगे कि कैसे अपनी ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें बदल ली हैं। हेलो, हम कई बार कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को बदलने की, जिंदगी को सुधारने की। कई बार रूल्स बनाते हैं, कई बार कहते हैं कि अब से एक नई शुरुआत है, कई बार जोश आता है, लेकिन लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है, बदलती नहीं है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको देने जा रहा हूं एक शानदार, एक जानदार फॉर्मूला जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी। इस फॉर्मूले को मैंने खुद ट्राई किया है, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कई सक्सेसफुल लोगों को जब मैं मिलता हूं या उनके बारे में पढ़ता हूं, तो मैंने देखा है कि वो भी इस फॉर्मूला से अपनी लाइफ में सक्सेस को पा रहे हैं, और अब आप भी पाओगे। हमारी लाइफ एक मशीन की तरह हर रोज चलती है, जिसमें कई सारे पहिए हैं, कई सारे व्हील्स हैं। इस बात को अगर आपने अगले कुछ मिनट्स में समझ लिया, तो आप आज से एक नई जिंदगी में पांव रख लेंगे। इस चेन में बहुत कुछ होता है, उठना सोना, हमारा काम करना, स्टडी, जॉब या बिजनेस, दोस्त हो सकते हैं, खाना पीना, फन या फोन, और बहुत कुछ। अब हम जब भी अपनी लाइफ को बदलने का सोचते हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या बदलना है, क्या क्या गलत है, क्या सही करना है। मतलब हमें पता है कि अगर लाइफ को बदलना है तो बहुत कुछ बदलना होगा, बहुत सारी आदतें बदलनी होगी, और बहुत कुछ हम बदल नहीं पाते, इसलिए लाइफ को बदल नहीं पाते। जोश तो बहुत बार आता है, लेकिन बदलाव कभी नहीं आता। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं बदलना, बहुत सारी आदतें नहीं बदलनी, बस एक चीज बदलनी है। आपको अपनी इस मशीन में से वो एक व्हील पहचानना है जो चेन की तरह हर व्हील को चला दे। कामयाब लोग इसको अपनी कीस्टोन हैबिट कहते हैं। बहुत सारी बुक्स में और साइकोलॉजी में इसको रूट हैबिट या फिर कैटलिस्ट या मेन हैबिट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ नहीं बदलना, जो कि हम कभी बदल नहीं पाते, हमें सिर्फ उस एक मेन व्हील को पहचानना है जिसको बदल के हम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ अपनी बात शेयर करता हूं, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आप कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैंने आज से 2 महीने पहले अपने दिन को ऑब्जर्व किया कि कहां पे कमी है, क्या क्या सुधारा जा सकता है। मतलब मैंने अपने दिन के कई व्हील्स को, कई पार्ट्स को समझा और सोचा कि उस एक मेन व्हील को पहचानता हूं जिसको चेंज करने से मेरे पूरी लाइफ की चेन बदलना शुरू हो जाएगी, इंप्रूव करना शुरू हो जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि आपके काम की कौन सी चीजें हो सकती हैं। मैंने अपने दिन को ऑब्जर्व करते हुए देखा कि कौन सी एक चीज मुझे बदलनी है, तो मैंने डिसाइड किया मेरा एक गोल कि मुझे हर रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। मैंने उसके लिए तरीके ढूंढे, उसके लिए खुद को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे सच में इस गोल को इंप्लीमेंट करना है। अगर हम 10 गोल्स बनाते हैं, उनको एक साथ करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता, लेकिन एक गोल के लिए हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैंने वो एक गोल डिसाइड किया, क्योंकि मुझे पता था कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वो मैं आपको बता रहा हूं। सो मैं कुछ दिन खुद के पीछे पड़ा और सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का रूटीन बना लिया। अब उससे क्या हुआ कि सुबह उठने का टाइम फिक्स हो गया। अब सुबह उठने का टाइम फिक्स हुआ तो रात को सोना भी टाइम पे फिक्स हो गया, जिसकी वजह से अब मैं ऑफिस भी टाइम पे जाना शुरू हो गया। अब क्योंकि एक्सरसाइज करी होती है, बॉडी ज्यादा फ्रेश होती है, ज्यादा एक्टिव होती है, और काम भी ज्यादा होना शुरू हुआ, जिसका रिजल्ट है कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस चैनल पे कई ज्यादा आ रही हैं। अब देखो, सुबह जब एक्सरसाइज करी होती है ना, तो पूरा दिन कुछ गलत खाने का मन भी नहीं करता, तो फिटनेस और बढ़िया हुई, जिसका एक और रिजल्ट हुआ कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस के नीचे आप लोगों ने मेरी फिटनेस को ऑब्जर्व किया और आपके तारीफ भरे कमेंट्स मुझे मिलने शुरू हो गए। सो देखा जाए तो मेरा डिसिप्लिन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, विल पावर बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, फिटनेस बढ़ी, तारीफ मिली, कितना कुछ हुआ। मैंने सिर्फ एक आदत को बदलने की कोशिश की, अपनी कीस्टोन हैबिट को बदला, जिसका रिएक्शन से पूरा दिन बेटर हो गया, ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। सो उस एक आदत ने चेन की तरह मेरी सारी आदतों को चेंज कर दिया। और आदतें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदतें हमारा दिन, हमारी कामयाबी, हमारी सफलता बनाती है। अब आपका सवाल होगा कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। आपको अपनी कैटलिस्ट को, अपनी कीस्टोन हैबिट को, अपनी मेन व्हील को पहचानना है। सो आपको वो आदत ढूंढनी है जो आपको खुशी दे, वो आदत जिसके साथ बाकी आदतें जुड़ी हो। देखो कौन सी है वो आदत जो आपने डाल ली या फिर उसको ठीक कर लिया, तो आप बाकी आदतों से भी जोड़ पाओगे, सो दैट आपकी मशीन आपके हिसाब से चले। देखो कौन सी है वो आदत जो आपको खुद के बारे में अच्छा फील कराएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। बस वो एक आदत ढूंढो, सिर्फ एक हैबिट, सिर्फ उस पे फोकस करना है बस। आप अपने दिन को ऑब्जर्व करो और देखो आपकी कौन सी वो एक आदत है जो आपके काम की है, जो उस चेन को चला देगी और लाइफ को बदल देगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए ये हो सकता है कि नींद पूरी करने की एक आदत डालनी है, जिससे अगले दिन इरिटेशंस कम होंगी, रिश्ते सुधरेंगे, काम पे फोकस बढ़ेगा, चीजें ज्यादा याद रहेंगी, ओवरऑल दिन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, लाइफ की क्वालिटी चेंज होगी।
फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स के लिए उनकी कीस्टोन हैबिट ये हो सकती है कि हर रोज फोन की नेट ऑफ करके या फोन ऑफ करके 4 घंटे पढ़ना है। बस ये एक लाइफ का मेजर इंपॉर्टेंट काम है। सिर्फ इसी पे अगर फोकस किया तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई में क्वालिटी टाइम बीतेगा, रिजल्ट सुधरेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, एंड टाइम मैनेजमेंट आ जाए तो समझ लो लाइफ मैनेजमेंट आ गई। कुछ लोगों के लिए उनकी मेन हैबिट हो सकती है कि आज के बाद कुछ भी हो जाए एक्सक्यूज नहीं बनाना, और लाइफ में अभी कुछ नहीं बदलना, सिर्फ ये बदलना है कि हर मौके पे ध्यान रखना कि एक्सक्यूज नहीं बनाना, कोई बहाना नहीं बनाना। अब जब ये डिसाइड कर लोगे कि किसी भी चीज पे बहाना नहीं बनाना, तो खुद से जिम्मेवारी लोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे, किसी पे दोष नहीं डालोगे, तो सॉल्यूशंस ढूंढोगे, ऑटोमेटिकली एक्शंस लोगे। मतलब एक आदत पे फोकस किया और पूरी लाइफ पे इंपैक्ट हुआ। एक और आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वाली हैबिट सबसे मेन हैबिट हो। एक हैबिट के हर रोज रात को डायरी एंट्री लिखनी है, अपने दिन के बारे में रात को लिखना है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसको अपनी कीस्टोन हैबिट मानते हैं, बिकॉज इससे वो जब लिखने बैठते हैं तो अपने पूरे दिन को एनालाइज करते हैं सोने से पहले, क्या सही किया, क्या सुधारा जा सकता है। इससे खुद पे एक चेक रहता है और अगला दिन बेटर होता जाता है, क्योंकि पिछले दिन की रियलाइजेशंस होती हैं, जिससे हर बेटर दिन लाइफ को बेस्ट बना देती है। अगर कुछ लोग परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, तो उनके लिए कीस्टोन हैबिट ये होगी कि बस एक हैबिट के लाइफ में नेगेटिव नहीं सोचना, बाकी जैसे चीजें चल रही हैं चलने दो, मेरी एक हैबिट मुझे बदलनी है कि नेगेटिव नहीं सोचना। अब अगर नेगेटिव नहीं सोचोगे तो चीजों को पॉजिटिवली लेते जाओगे, पॉजिटिवली लोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, रिश्ते सुधरते जाएंगे, लाइफ में खुशियां बढ़ती जाएंगी। मैं तो एग्जांपल पे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन आई होप कि आपको अब तक आइडिया क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि आपको बस अपनी उस एक आदत को पहचानना है जो आपकी सारी आदतें को बदल सके, और उसी पे फोकस करना है बस। बहुत सारे कामयाब लोग इसीलिए कामयाब होते हैं कि वो अपनी बहुत सारी आदतें बदलने में नहीं लगे रहते, उसमें टाइम नहीं लगाते रहते, लेकिन वो अपनी उन आदतों को पहचान लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ बदलती जाए। वो एक एक करके अपनी आदतों पे काम करते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं, मोटिवेशन बनी रहती है, रिजल्ट्स आते जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, और सफलता का सफर वो तय करते जाते हैं। सो आपको भी अपनी बहुत सारी आदतें बदलने की जगह अपनी उस एक आदत को ढूंढना है जिससे आपकी लाइफ में एक चेंज क्रिएट होगा, जो आपकी कैटलिस्ट होगी, जो आपकी कीस्टोन हैबिट होगी, जो आपकी लाइफ की मशीन का मेन व्हील होगी। और वो एक आदत तब बदलेगी जब आप शुरुआत करोगे, पहला स्टेप लोगे। और पहला स्टेप आप कब लोगे? आज लोगे, अभी लोगे। अभी से उस एक आदत को ढूंढो जो आपकी लाइफ में एक चेंज क्रिएट कर सकती है, आपकी लाइफ की मशीन को चला सकती है। पूरी जिंदगी बदलने की जगह बस उस एक आदत को बदलो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। उस एक आदत के लिए खुद को मोटिवेटेड रखो। सो दोस्तों, सफल जिंदगी हर रोज के सफल दिन से बनती है, और हर सफल दिन सफल आदतों से बनता है, और सफल आदतों के लिए आपको सिर्फ एक आदत पहचाननी है और उसको बदलना है। आज का जो सेशन है उसका वीडियो से और मेरे लेसन से एक ही मैसेज है, एक्शन एक्शन एंड एक्शन, एंड ये एक्शन शुड बी इन राइट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच।